एमसीडी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में हैं और जोर शोर से इलाकों में प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं बादली विधानसभा वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस की उम्मीदवार सीमा यादव इलाकों में जाकर के लोगों की समस्या को समझ रही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं चुनाव में विजय होती हूं तो अपने इलाके की तमाम समस्याओं को दूर करूंगी, समाधान उनका करूंगी। देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा वार्ड नंबर 20 में मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीमा यादव हैं, जो कि यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। आज एमसीडी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, रोजाना आप इलाके में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पहले क्या कहना चाहेंगे? आज चुनाव का आखिरी दिन है और मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भारी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं उनका मैं धन्यवाद बोलती हूँ। और जैसे कि मैं अपने क्षेत्र में गई तो मैंने देखा लोग बहुत परेशान हैं, इलाके में कोई काम नहीं हुआ है। मैं जब जीत कर आती हूँ तो लोगों की समस्याओं का निवारण करूंगी, जो भी उनकी समस्याएं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या है गंदगी हटाना, साफ पानी लाना, वृद्ध और विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, मैं उनको पेंशन दिलाने की कोशिश करूंगी। और जो महिलाएं हैं उनके रोजगार नहीं है, मैं उन्हें रोजगार दिलाने की कोशिश करूंगी। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, मैं अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म कर दूंगी, न एक रुपया खाऊंगी न किसी अधिकारी को खाने दूंगी। ऐसा बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज एमसीडी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जोर शोर दिख रहा है? पूरा जोर शोर दिखेगा। आज हमारी पदयात्रा है, बादली से शुरू होगी और लिबासपुर सिरसपुर तक जाएगी। लोगों को चौतरफा प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। लोग आज कहीं ना कहीं जो वो त्रस्त हैं इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, इस जिस तरीके का बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, आज गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, आज गंदा पानी पूरे दिल्ली में सप्लाई हो रहा है, ये सारे मुद्दे इस एमसीडी के चुनाव में सामने नजर आ रहे हैं। जो वादे भारतीय जनता पार्टी और इन्होंने बीजेपी ने किए थे आज वो खोखले नजर आते हैं। लोगों को सारी चीजें अपने सामने दिख रही हैं। आज जब उनकी पोल खुल रही है तो लोग चारों तरफ से, हर वर्ग से, हर जाति से, धर्म से लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सीमा यादव जी को। और मुझे वार्ड 20 में एक मजबूत स्थिति और एक मजबूत जीत नजर आ रही है 7 तारीख को जब हमारे रिजल्ट आएंगे। जी इलाके में जा रहे हैं, रोजाना लोगों से बातचीत करें, क्या लगता है जनता सपोर्ट करेगी इस बार? निश्चित ही, मैंने कहा कि लोग जब हम मिलते हैं, जिस तरीके का व्यवहार उनका है, जिस तरीके से वो हमें ग्रीट करते हैं, जिस तरीके से खुश होकर मिलते हैं, उससे साफ झलकता है कि लोगों को सच्चाई और झूठे प्रचार में साफ उनको समझ आ चुकी है और वो सच्चाई का साथ देने के लिए अब तैयार है। मेरा आखिरी सवाल, 4 तारीख के लोगों को क्या अपील देंगे आप? लोगों को कहूंगा कि बदलाव के लिए आप वोट करिए, लोगों को कहूंगा बेरोजगारी के खिलाफ वोट करिए, महंगाई के खिलाफ वोट करिए, राशन कार्ड बनवाना है तो आप वोट करिए, अगर आपको बुजुर्गों की पेंशन लगवानी है तो वोट करिए, आप अगर साफ पानी चाहिए, आरओ का पानी चाहिए तब कांग्रेस को वोट करिए, आज अगर कूड़े का ढेर जिस तरीके से यहाँ बना हुआ है उसको अगर खत्म करना है तो कांग्रेस को वोट करिए, एक साफ भ्रष्टाचार मुक्त अगर शासन चाहिए तो सीमा यादव को वोट करिए। बिल्कुल, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तमाम पार्टियां जोर शोर से अलग अलग इलाकों में पहुंचकर अपनी पार्टियों का दमखम दिखा रही है। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूं तो मेरे कैमरा पर्सन अमित एक बार दर्शकों को दिखाए, काफी संख्या में इस कांग्रेस की रोड शो में जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद नजर आ रहे हैं, सभी के हाथों में झंडा है और कहीं ना कहीं अपील भी यही की जा रही है कि 4 तारीख को तमाम जो लोग हैं एक बार फिर से कांग्रेस का बटन दबाएं और विजय प्राप्त करें। लेकिन अब ये देखना होगा 4 तारीख को दिल्ली की जनता किसको चुनती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साहिल भामरी, टोटल न्यूज दिल्ली।